हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओएआरओ और सीए की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे आप फिल कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। जैसे कि अगर आप आरओ या फिर एआरओ में अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे, या फिर अगर आप सीए यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे। कंप्यूटर असिस्टेंट की जो एलिजिबिलिटी है वो सारी सेम ही रहने वाली है, जैसे कि आरओ एआरओ में मैंने आप लोगों को बताया था सिलेबस वगैरह सेम है यहाँ पे, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको एआरओ के लिए अप्लाई करना है या फिर आरओ के लिए तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइड पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको साइन इन करना है, नहीं किया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे कंप्लीट होगा और एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको दिया गया है। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद इमेज अपलोड करनी है, उसके बाद पेमेंट यहाँ पे आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको गाइडेंस दिए गए हैं, कितना एप्लीकेशन फ़ी है वो मेंशन किया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बॉक्स को टिक कर देना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, कैंडिडेट नेम में आपको अपना नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अदर कोई आपके पास वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का जो नंबर होगा कार्ड पे वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालना है, जैसे कि आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस लाइन 1 और 2 दिया गया है, पुलिस स्टेशन डालना है, कंट्री डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद पिन कोड भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑप्शनल है ये, अगर है तो आपको डाल देना है, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर एक यहाँ पे देना है, और ये अल्टरनेटिव है, अगर नहीं भी है तो आप इसको छोड़ सकते हो, 2 नंबर अगर आप नहीं देना चाहते तो। अगर देना चाहते हो तो आप इसको फिल कर सकते हो। ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप इस वाले बॉक्स पे टिक करोगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली फिल भी कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर टिक करोगे जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, एक पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, उसका उसी पासवर्ड को वापस से आपको डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें टाइप कर देना है नीचे वाले में। पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें एक अपर लेटर यानी कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक लोअर लेटर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड बनाना है, उसके बाद उसको वापस से डाल के कन्फर्म कर लेना है। पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको वापस से कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको कोई सा भी सिलेक्ट कर देना है, उसका आंसर डाल देना है और सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। सिक्योरिटी पिन ये जो नीचे आपको दिया गया है उसको आपको वापस से डाल देना है ऊपर में, और यहाँ पर सबमिट बटन आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपको पॉपअप मैसेज शो होगा, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है वो फाइनल सबमिट से पहले अपना फॉर्म जो है वो एक बार चेक कर लेना है। अगर आप एडिट करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन को तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है और जितने भी डिटेल्स आपने फिल किए उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल चेक कर ली, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिया गया है, इन सारे चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। एक बार रजिस्ट्रेशन ओके करने के बाद आप इसमें फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी जो डिटेल आपने फिल की है वो सही होनी चाहिए। आपने इन सारे चेकबॉक्स को चेक कर दिया है, उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें आपको अपना डिटेल फिल करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको ऊपर में कुछ बेसिक्स डिटेल दिखेंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आपको डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि आप यूपी के निवासी हैं या फिर नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है। कौन से कैटेगरी से आप आते हो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैटेगरी, अगर आप यूपी आते हो तो कौन से कैटेगरी में आते हो, अगर आप यूपी के कैंडिडेट नहीं हो तो आप जनरल कैटेगरी पे ही अप्लाई करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूपी के वुमेन कैंडिडेट है, तो यहाँ पे नो का ऑप्शन आपको मिलेगा, नो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है यूपी के, अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद एक सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछा जा रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपसे मैटेरियल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप मैरिड है, अगर मैरिड है तो यस करेंगे, अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पे वो 35 वर्ड पर मिनट है या नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे यस करना है तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू पोजेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटरी आर्मी, अगर आप है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं है आपके पास तो नो करना है। उसके बाद डू यू पोजेस बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉप्स, तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, तो इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट है, या फिर ट्रिपल सी है आपके पास, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो आपके पास है उसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिव्यू ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो उसको भी आपको यहाँ पे टिक करना होगा। पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपसे क्वेश्चन पेपर का मीडियम पूछा जा रहा है, जो पेपर वन में आपका होगा हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि आपसे यहाँ पे 10th का जो स्टेटस है वो मांगा जा रहा है, अगर आप पास है तो यहाँ पे आपको पास पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, स्ट्रीम नेम आपको सिलेक्ट करना है, किस स्ट्रीम से आपने 10th किया था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मेंशन होगा 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट है आपके पास। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से आपने 10th किया था वो आपको सिलेक्ट करना है। रिजल्ट मूड आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम या फिर आप उसका एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो रिजल्ट मूड पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज या फिर CGPA देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपका नंबर परसेंटेज में है तो परसेंटेज सिलेक्ट करोगे, CGPA में है तो CGPA सिलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा, उसके बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मार्क्स अपना डाल देना है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे वो आपको डाल देना है अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हो तो। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद 12th का आपको यहाँ पे डिटेल डालना है, आप पास कैंडिडेट है तो पास आप सिलेक्ट करोगे, किस ईयर में आपने पास किया था 12th वो सिलेक्ट करोगे, कौन सा स्ट्रीम था वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बोर्ड नेम सिलेक्ट करना है, और रिजल्ट मोड जैसे आपने 10th का सिलेक्ट किया था वैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम या फिर इसका एड्रेस आप फिल करोगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल आपको डालना है, यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है, जो पास स्टेटस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम नेम आप सिलेक्ट करोगे, किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन नेम सिलेक्ट करना है या फिर यूनिवर्सिटी नेम भी आप डाल सकते हो। रिजल्ट मूड आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा, और इंस्टीट्यूशन एड्रेस या फिर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे डालोगे, और अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप इसको यहाँ पे फिल करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, और एनी अदर क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लोगे, अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया है या फिर क्या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है। अगर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यस और नो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको दिया गया है, नीचे में जो सिक्योरिटी पिन है उसको आप यहाँ पे फिल करोगे और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फिर से एक रिव्यू पेज दिखेगा जिसमें आपको फाइनल सबमिट के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी डिटेल अगर आपने गलत फिल कर दी है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो फाइनल सबमिट करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस आपको दिए गए हैं जैसे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसको आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा जहाँ पे आपको आपका अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसकी साइज यहाँ पे आप देख सकते हो 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है आपको जिसकी साइज 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर अपलोड करना है जिसकी साइज 4 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यानी कि मार्कशीट अपलोड करना है जिसकी साइज 50 से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं, अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है चूज फाइल, उस पर आपको फाइल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख जाएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि आपका फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करके जितने भी यहाँ पे फाइल दिए गए जैसे कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो वो सारी आप अपलोड कर दोगे, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, यहाँ पे आपको जो इसका फीडबैक है वो मिल जाएगा व्यू में अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो मेंशन किया गया है वो डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस में देख पाओगे कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड आपको देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको डालनी है और इसको भी कंप्लीट कर देना है। तो नीचे में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एडिट एप्लीकेशन का, एडिट डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फी, तो उस पर आपको क्लिक करना है अगर आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको पेमेंट मोड दिया गया है, ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो उस पर आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड और पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो जाएगा, कितना अमाउंट आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो आपका जो नाम है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो ऊपर में शो हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो वो आप देख सकते हो, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं SBI नेट बैंकिंग का, अदर बैंक कार्ड का यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप इससे भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको वो मेथड सेलेक्ट करना है और पेमेंट कर देना है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है अलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO और CA का। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।